परम पिता परमात्मा सावन कृपाल दे चरणां दे विच नमस्कार है। जिन्हां ने गरीब आत्मा ते रहम कीता, भगती दा दान दिता है और भगती करन दा मौका दिता है, परम पिता परमात्मा सदा ही आत्मा दी गहराइयां तो कहिंदे सन कि भला सोचो, भला करो, क्योंकि जदों असी भला सोचांगे तद ही किसी दा भला कर सकते हैं। इस तरह जब संत संसार दे विच आउंदे है वो सब दे वास्ते दया मंगदे है, सब दे वास्ते परमात्मा तो रहम मंगदे है। गुरु नानक देव ने कहा है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा भला, सरबत दा भला संत मंगदे है। इस तरह गुरु गोबिंद सिंह ने अपने गुरु अगे अरदास करी, सुखी वसे मोरो परवारा सेवक सिख सवा करतारा। इस तरह इस गरीब आत्मा ने भी परमात्मा कृपाल दे अगे यही अरदास कीती, यही बेनती कीती कि तू सब पर जो भी जिया जंत है हरेक पर दया कर, मेहर कर, रहम कर। वो सतपुरश रूप जो सतपुरश दे विच मिल जाता है वो सदा रहम करता है, रहम कर नहीं जानता है। इस तरह आपा कोई अगर फल प्राप्त करना है, सब तो पहला कोई पौधा लाने हैं कि सानू मिठे फल देवेगा, थानू पता है पहला उसकी गोडी करनी पैंदी है, खाद पौनी पैंदी है, पानी लाना पैंदा है, काफ़ी खेचड़ा तो बाद असी उहदा मिठा फल खा के तृप्त होने हैं। इस तरह असी भी नाम दा मिठा फल चखण वास्ते, खाण वास्ते, जिहदे विच तृप्ती है प्राप्त करन वास्ते सब तो पहला संतां दे चरणां विच जाने हैं। संत साडे अंदर ये नाम दा पौधा ला दिंदे है, सानू बड़े प्यार नाल समझाउंदे आ कि देख बेटा इहनू रोज़ सिमरन दा पाणी, सतसंग दा पाणी देना है, रोज़ रोज़ ये जिहड़ा अभ्यास है यही इहदी गोडी करनी है, यही एक उस मिठे फल नू प्राप्त करन दा साधन है। सो प्यारिओ आ मौका है दया नू प्राप्त करन दा, जो भी असी सास ग्रास दे नाल सिमरन करदे हैं वो सब लेखे दे विच है। मता दिल दे विच ख्याल होवे कि जो कुछ असी कर रहे हैं इहदा उस परमात्मा नू पता नहीं जो शब्द रूप गुरु अंदर बैठा है। सो प्रेम प्यार नाल अखां बंद करके अपना सिमरन शुरू करो। हाँ।